इंडियन स्पीड्स आपको इंडिया में हर शहर हर गली में देखने को मिल जाएगी। इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरभ जोशी, उनके भी पास इंडियन स्पीड्स डॉग ब्रीड है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन स्पीड्स का इंडिया में क्या प्राइस है एंड अगर हम इन्हें घर में रखते हैं तो हमें महीने में कितना खर्चा आ जाता है। उससे पहले 2 सेकंड का टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंडियन स्पीड्स का ओरिजिन पूरी तरीके से इंडिया से नहीं है, कुछ जर्मन स्पीड्स जो है जर्मनी से इंडिया में लाए गए थे एंड उनकी ब्रीड कर इंडियन स्पीड्स को बनाया गया है। इंडियन स्पीड्स एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ की डॉग ब्रीड है एंड इनकी एवरेज हाइट मेल की होती है 40 से लेकर 45 सेंटीमीटर एंड फीमेल की होती है 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर एंड इनका मेल का वेट होता है 12 से लेकर 20 केजी, फीमेल का वेट होता है 11 से लेकर 15 केजी। काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि पोमेरियन एंड इंडियन स्पीड्स एक ही डॉग ब्रीड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोमेरियन एक अलग डॉग ब्रीड है एंड इंडियन स्पीड्स एक अलग डॉग ब्रीड है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि पोमेरियन एंड इंडियन स्पीड जो है एक ही डॉग ब्रीड नहीं है। इंडियन स्पीड्स की कोट कलर की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको वाइट कलर ही देखने को मिल जाएगा और इनमें ब्लैक एंड ब्राउन ये दो कलर भी आते हैं। अगर हम डॉग के नेचर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, प्लेफुल, एक्टिव एंड हाई एनर्जी लेवल डॉग होते हैं जो कि आपके साथ 1-2 घंटा आराम से वॉक पर चल लेंगे एंड इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है एंड एक्टिव डॉग ब्रीड है। इनकी लाइफ स्पैन जो है 12 से लेकर 15 ईयर्स तक होती है। अगर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो इनके पास 450 PSI का स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स है। एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है कि इनका बाइट फोर्स 450 PSI है बल्कि पिटबुल का बाइट फोर्स सिर्फ 235 PSI। लगभग इंडियन स्पीड्स का बाइट फोर्स पिटबुल से डबल है। इस डॉग को जो है काफ़ी सारे लोग वॉच डॉग की तरह अपने घर में रखते हैं जो कि सिर्फ वॉच करे और किसी को काटे ना, वो सब ये डॉग से भोगते हैं, काटते बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी कम बार काटते हैं। अब हम इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस पूरी डिपेंड करता है इनके क्वालिटी पर। आपको काफ़ी सारे इंडिया में जो है छोटे हेयर वाले डॉग मिल जाते हैं क्योंकि उन पर छोटे हेयर है। अगर आप अच्छे लॉन्ग हेयर्स वाले होते हैं अच्छे क्वालिटी का तो मेल का प्राइस आपको 6000 से लेकर 8000 तक मिल जाएगा एंड फीमेल का प्राइस आपको 4000 से लेकर 6000 तक मिल जाएगा। मैंने जैसे बताया कि प्राइस पूरा डिपेंड करता है क्वालिटी पर। आपको काफ़ी सारे जगहों पर ये डॉग जो है 2000 या फिर 3000 में मिल जाएगा, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो आपको कम से कम 6 से 8 हज़ार मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 4 से लेकर 6 हज़ार। अब हम इंडियन स्पीड्स के मंथली कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक पेडिगिरी प्रो या फिर ड्रूल्स तो आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये पर मंथ खर्चा आएगा एंड अगर आप प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक रॉयल कैनन तो आपको 2500 से लेकर 3000 रुपये पर मंथ खर्चा आएगा। इंडियन स्पीड जो है काफ़ी आसानी से घर में बना फूड भी डाइजेस्ट कर लेती है, तो आप जो है अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 2-3 महीने का तब आप उसे घर का बना खाना भी दे सकते हो। लेकिन मैं स्टार्टिंग में यही प्रीफर करूँगा आपको कि आप उसे डॉग फूड ही दें। और डॉग फूड के बाद सबसे ज़्यादा खर्च होता है वैक्सीनेशन पर। सभी डॉग्स को एक ही तरह की वैक्सीन लगती है और उसका प्राइस होता है 600 से लेकर 1000 रुपये पर मंथ। और इनका जो है लॉन्ग कोट होता है तो आप हेयर ग्रूमिंग एंड शैम्पू पर 200 से लेकर 300 रुपये पर मंथ खर्चा कर सकते हो। तो ये था पूरा इनका प्राइस एंड इनकी मंथली कॉस्ट। और इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा, जो कि डॉग रखते हैं तो आपको हर घर में एक इंडियन स्पीड्स देखने को मिल जाएगा और ये डॉग ब्रीड जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो अगर आप एक फैमिली डॉग ढूंढ रहे हो तो आप इंडियन स्पीड्स ले सकते हो, काफ़ी लो बजट डॉग है एंड आपका घर का फूड भी काफ़ी आसानी से खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये तो थी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन स्पीड्स। अगर आपको ये डॉग ब्रीड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को जरूर से दबा लेना।